हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जिसमें हम चार पांच वीडियो हो चुकी है इसकी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। और आज हमने मास स्पेक्ट्रोमीट्री में यही पढ़ना है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड हैविंग, जिसके पास एक Cl एक Br है, दो Cl एक Br है, एक Cl दो Br है, तो उसका इंटेंसिटी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक कंपाउंड था ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड था जिसके पास एक Cl और एक Br था, जिसके पास क्या था, एक Cl और एक Br था, उसका इंटेंसिटी रेशियो निकालना सिखाया था कैसे निकालते हैं। तो इस ये वाला क्वेश्चन जो है 1 Cl 1 Br वाला, वो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो पे जाना पड़ेगा, उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लेना, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है 2 Cl और 1 Br की, किसकी बात करनी है, 2 Cl और 1 Br की बात करते हैं। ये वाला तो हो गया, बहुत जल्दी हो गया। अब हम बात करते हैं 2 Cl और 1 Br, 1 Cl और 2 Br। क्या है हमारे पास, 2 Cl है, 1 Br है, इंटेंसिटी रेशियो निकालना है। 2 Cl और 1 Br मतलब तीन हमारे पास हैलोजन ग्रुप्स है, तो तीन हैलोजन ग्रुप्स, तो हमें पता है 3 ही क्या आने वाले हैं, आइसोटोपिक सिग्नल्स आने वाले हैं, ठीक है। अब इसका क्या रेशियो होगा, 3 है, एम रेशियो एम प्लस 2 रेशियो एम प्लस 4 रेशियो एम प्लस 6, 3 है ना, ठीक है। तो ये होगा, अब हमें कैलकुलेट करना है कैसे होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, Cl में कितने आइसोटोप्स होते हैं, दो होते हैं, 35 Cl, अदर वन इज 37, इसमें बताया था 79 Br, इसमें बताया था 81 Br, ठीक है, ये बताया था, ऐसे करते हैं। अब इसमें ये भी बता दिया था आपको कि 35 Cl के लिए हम क्या लेते हैं, कितना करते हैं कंट्रीब्यूट, 3 करता है और ये करता है 1, और ये भी 1 करता है और ये भी 1 करता है, 1 1 करते हैं, ठीक है। ये इसमें 3 करता है और इसमें 1 करता है, ये मैंने बताया था कैसे 3 और कैसे 1 आता है, कैसे 1 और कैसे 1 आता है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आगे हम इसका रेशियो निकालते हैं। तो एम मॉलिक्यूलर पीक में कौन से आते हैं, 35 और 79 आता है, 35 और, तो मैंने ले लिया 35 Cl, 2 Cl है ना, तो 35 Cl और अदर वन इज 79 Br, ठीक है। एम प्लस 2 मतलब उसका 2 यूनिट मास क्या हो गया, बढ़ चुका है, तो मैंने क्या किया, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 35 Cl मैं मान लेती हूँ, एक बार तो 35 का 35 रहा वो, इसका 35 से 37 हो गया और ये 79 रहा, ठीक है, प्लस 2 इंक्रीज हो गया। अब ये 37 Cl हो गया, ये 35 रहा और ये 79 रहा। अब मैंने क्या किया, एक बार इसको इसमें एम प्लस 2 किया, दूसरी बार मैंने इसमें एम प्लस 2 किया, अब मैं क्या करूंगी, एक बार बी आर में एम प्लस 2 करूंगी, इसको सेम रखूंगी, 35 Cl यहाँ पे 81 Br, क्लियर है यहां तक। अब हम आ जाते हैं एम प्लस 4 पे, एम प्लस 4 में क्या करेंगे, मतलब एम प्लस 2 हो गया, मतलब 2 यूनिट इंक्रीज, अब मैंने प्लस 4 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेम वही पॉसिबिलिटी, 1 2 3 1 2 3 एम प्लस 4, तो अब क्या होगा, प्लस 4 कैसे इंक्रीज होगा, मान लेती हूँ कि पहले 2 में इसका 37 Cl हो गया, इसका भी 37 प्लस 4 तो यही हो गए, तो मतलब ये 79 हो गया, ठीक है। अब एक बार मान लेती हूँ इसमें 35 रहा, इसमें 37 हो गया और इसमें 81 Br हो गया, ठीक है। अब सॉरी, तो एक बार इसमें इंक्रीज, इसमें इंक्रीज, अब क्या हो गया, 37 35, एक बार फिर से इसमें और इसमें, ये सेम रहा 35 Cl, क्लियर है।
प्लस सिक्स, एम प्लस सिक्स में क्या होगा सारे, ये भी 37 Cl, ये भी 37 Cl और ये 81 Br, ठीक है। यहां तक हो गया होगा क्लियर, कैसे होता है देखिए, यहां तक आ रही है पूरी, नीचे देख देखिए आ रही है, ठीक है। तो अब हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, ये करता है 3, ये करता है और ये भी 3 और ये क्या करता है 1, ठीक है। अब इसका 3 1 1 1 3 1 1 3 3 इसका 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1, ठीक है। अब करते हैं कैलकुलेट, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, अब इसमें करो 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसको करो 3 3 9, 3 3 6 3 3 6 और 3 3 9 6 प्लस 9 15, ये कितना आ जाएगा 3 3 6 और 1 7, ये आ गया 1। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 9:15:7:1, 9:15:7:1 किसके लिए आ गया, 9:15:7:1। जब 2 Cl और 1 Br प्रेजेंट हो तो इंटेंसिटी रेशियो आता है 9:15:7:1। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब 1 Cl, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचना है फोटो खींचना, जो भी करना है लिखना है जो भी करना है कर लो, ठीक है। ये लो ये। अब हम बात करते हैं 1 Cl है और 2 Br है, 1 Cl है और 1 Cl है और 2 Br है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 Cl और 2 Br के लिए, अब हमें इसके भी आइसोटोप्स मालूम है, क्या है इसके आइसोटोप, 30 वही सेम 35 और 37 सेम हमें इसके भी मालूम है, 79 और इसके 81 Br, ठीक है। कंट्रीब्यूशन भी पता है इसका 3 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, लिख देते हैं बस। अब एम रेशियो क्या बनेगा इसका, अभी एम रेशियो एम प्लस 2 रेशियो एम प्लस 4 रेशियो एम प्लस 6, ठीक है। अब एम हमें क्या आएगा, 1 Cl है, 1 Cl है तो 35 Cl, 2 Br है 79 Br, another one is also 79 Br, because 2 Br है ना इसलिए 2 Br लिख दिए। अब मैंने क्या करना है, 2 यूनिट बढ़ाना है मास, तो 35 से मैं इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, 1 2 3, ठीक है 1 2 3। अब 35 से मैंने क्या कर दिया, इसको 37 कर दिया, इन दोनों को सेम रखा, इन दोनों को सेम रखा, ठीक है। सेकंड में क्या किया, इसको तो 35 रखा, इसको 81 कर दिया, इसको 79 रखा। थर्ड में इसको 35 रखा, इसको 79 रखा और इसको मैंने 81 कर दिया, क्लियर है। एम प्लस 2 कर दिया, अब एम प्लस फोर अब मुझे 4 यूनिट बढ़ानी है, वही सेम 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अब देखो 35 से मैंने इसको 37 कर दिया, इसको 81 कर दिया और इसको मैंने 79 ही रखा, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसको तो 35 रखा, इसको मैंने 81 किया और इसको भी मैंने 81 किया, ठीक है। अब इसको तो मैंने 37 कर दिया, इसको मैंने 79 Br कर दिया और इसको मैंने 81
वन बी आर कर दिया। यहाँ पे एम प्लस सिक्स में क्या आता है, 37 सी एल और 81 बी आर और 81 बी आर। ये आपको समझ आ रहा होगा कैसे कर रही हूँ, बस प्लस टू चार्ज इंक्रीज किया, एक बार मैंने यहाँ इंक्रीज किया, एक बार मैंने यहाँ इंक्रीज किया और एक बार मैंने यहाँ इंक्रीज किया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने पहले क्या किया, पहले इन दोनों में इंक्रीज किया, फिर इन दोनों में इंक्रीज किया, फिर इन दोनों में इंक्रीज किया। जैसे प्रोबेबिलिटी में करते हैं ना, हेड टेल वाला जो सिस्टम होता है, हेड टेल टेल हेड वाला सिस्टम, वैसे इसमें है। एक बार मैं इन दोनों को कर रही हूँ, फिर इन दोनों को कर रही हूँ, ठीक है। मतलब इस बार इन दोनों को कर दिया मैंने, मतलब ये कॉन्स्टेंट था, ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने इसको कॉन्स्टेंट कर दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक बार इसको कॉन्स्टेंट कर दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया, फिर मैंने इसको कॉन्स्टेंट रखा, इन दोनों को चेंज कर दिया, इस प्रकार भी समझ सकते हो। नहीं तो आपका जो भी तरीका हो आप वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसे ठीक लगता है कि एक बार इसको कॉन्स्टेंट रख दिया इन दोनों को, एक बार इसको कॉन्स्टेंट इन दोनों को, एक बार इसको कॉन्स्टेंट इन दोनों को, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब हम निकाल देते हैं रेशो। रेशो कैसे निकालेंगे, रेशो हम निकालते हैं, ये हम बात किसकी कर रहे थे, एक सी एल दो बी आर की, शायद दिख नहीं रहा होगा ये वाला, एक सी एल दो बी आर की। अब हमें इसको करना है, ये क्या है थ्री, ये है वन, ये है वन, ये वन वन वन, थ्री वन वन, थ्री वन 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 वन, थ्री वन वन, और ये भी वन 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 वन, ठीक है। लास्ट वाला अच्छा होता है, वन 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 वन। अब इसमें थ्री वन वन मल्टीप्लाई करना है, मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ, नीचे भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस है, इसलिए मैं ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। थ्री मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, यहाँ पे वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, वन ही आएगा, प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन थ्री, तीन मल्टीप्लाई एक मल्टीप्लाई एक इज ऑल्सो थ्री, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे वन को तो वन आएगा, फिर प्लस में थ्री आएगा, प्लस में वन आएगा, यहाँ पे तो वन ही आएगा। तो ये कैलकुलेट करो, थ्री रेशो तीन दिन छः और एक सात रेशो तीन और एक चार एक पाँच रेशो एक आ गया, थ्री रेशो सेवन रेशो फाइव रेशो वन, हाँ जी ठीक है, थ्री रेशो सेवन रेशो फाइव रेशो वन, ये आ गया। तो ये किसका आया है, तीन रेशो सात रेशो पाँच रेशो एक आया है, जब वन सी एल और टू बी आर है, ठीक है, जब एक सी एल और दो बी आर है तो आता है हमारा तीन रेशो सात रेशो पाँच रेशो एक, ठीक है। ईजी था, इतना भी मुश्किल नहीं था कैसे निकालना है, बस हमें इतना डील करना आना चाहिए। और इसकी सिर्फ एक आध वीडियो रहती है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, अल्फा फीजन और मैक्लोरिटी रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये तीन टॉपिक रहते हैं। ऑलमोस्ट मास हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, अगर आए तो क्वेश्चन इसमें से ही पूछते हैं कि हमें एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया होता है उसका हमें निकालना होता है ये रेशियो, ठीक है, बस यही पूछा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।